हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल DL27। तो फ्रेंड, जैसे कि देख सकते हो, आज हमारा इस वीडियो का सेकंड पार्ट, जो स्पीकर से इसकी इंस्टॉलिंग करेंगे आज। ये अपनी गाड़ी का है डोर पैनल, टाटा नैनो के पहले वाला स्पीकर देख सकते हो, पहले वाला स्पीकर। इस वाले स्पीकर से इसका जो बैक कॉइल होती है, ये थोड़ी हैवी थी, ये वाली थोड़ी हैवी थी। बाकी ये वाली कॉइल देख सकते हो, इसकी कॉइल थोड़ी पतली है, और इस डोर के अंदर करना हमने फिट। देख सकते हो, जो पहले वाला स्पीकर था, इसकी जो ग्रिल होती है फट चुके हैं यहाँ से। तो अब करते हैं इसको फिट। तो ये स्पीकर, नॉर्मल स्पीकर जो अपना बेस ट्यूब होती है, जो घर के अंदर होम थिएटर यूज़ करते हैं, उसके वाले स्पीकर थे, वो लगा रखे थे। साउंड इसका भी अच्छा था, बट अब जो हमने कार के स्पीकर्स मंगाए, इसको ट्राई करके देखते हैं इसका क्या साउंड है। दोस्तों, जो अपना पहले वाला स्पीकर था, वो था 3 इंचज़ का स्पीकर। जो अब वाला स्पीकर है, डबल साइज है, बिल्कुल 6 इंचज़ का स्पीकर है हमारा, जो हमने पहले इसकी डोर पे काटा था, इसको कटिंग करी थी 3 इंचज़ के हिसाब से करते हैं। इसको कटिंग करके 6 इंचज़ में करेंगे, और स्पीकर साइज देख सकते हो। साउंड क्वालिटी तो वैसे भी ऑटोमेटिकली बेस्ट होने वाली है। तो दोस्तों, स्पीकर के साथ एक फॉर्म आता है अपना, ये वाला फॉर्म आता है। इसके अंदर जैसे कि स्पीकर की जो फिटिंग होती है, कंप्लीट फिटिंग दी जाती है अपने को। देखो, जैसे स्पीकर के अंदर देख सकते हो, पूरी कंप्लीट फिटिंग होती है। इसके साइज से आप स्पीकर जो डोर पैनल होते हैं आपके, इसको काट सकते हो। ऐसे रख के पूरा डोर पैनल का साइज कटेगा। तो दोस्तों, हम एक साइड डोर के जो पैनल है उसको फिट करके लगा चुके हैं, बाकी दूसरा जो रहता है उसको भी आपके सामने लगाते हैं, और इसका जो साउंड आता है, साउंड दिखाता हूँ। देखो कैसा लगा। तो देख सकते हो, ये इस तरीके से लगाया है। ये अगर इसको काटने की जरूरत पड़ेगी तो इसको भी काटेंगे, मतलब कि या कटवाएंगे, जैसे भी रहेगा, क्योंकि अभी इसको लगाने के बाद साउंड ठीक आ रहा है। बाकी एक बार अगर लगेगा साउंड दब रहा है, कुछ हो रहा है, तो इसको काटेंगे एक बार। तो दूसरा जो पैनल है, देख सकते हो, दूसरा पैनल अपना ये है। इसकी जो फिट, इसका पीछे का मैग्नेट देख सकते हो, हमने इस तरीके से इसको काटा है पूरा। यहाँ पे तार के कनेक्शन वगैरह होंगे, और यहाँ लगेगा। इसको अब लगाते हैं जल्दी से, और आपको सुनाता हूँ इसका साउंड। प्रोसेसर है इसका लगाने का, इसको देख सकते हो, ये अपना कपलर प्लग आ रखे हैं। इसको सिर्फ कनेक्ट करना है, इसके माइनस प्लस कुछ नहीं होता इसमें। इस तरीके से करेंगे इसको कनेक्ट, और मारेंगे इस पर टेप। तो हम इसे लगा चुके हैं, देख सकते हो, कपलर का कनेक्शन पूरा तार के साथ कर दिया है। ये कपलर डायरेक्ट, ये जो अपने है, इसमें आपका कपलर का साइज दिखाता हूँ। दो कपलर साइज है इसमें, देख सकते हो, एक बिल्कुल पतला वाला कपलर साइज है, एक है थोड़ा चौड़ा वाला। और इसमें भी सेम चीज है, एक पतला वाला कपलर का है, एक है मोटे वाला कपलर का। तो ये जो लास्ट है, इसमें कुछ नहीं लगेगा, ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसका कनेक्शन ही डायोड के साथ है। तो सिंपली कनेक्शन है इसका, चौड़ा वाला जो है वो लग जाएगा अपना इस साइड, और जो पतला वाला है वो लग जाएगा सिंपल इस साइड। अब इसको जल्दी से लगाते हैं, सुनाता हूँ इसका साउंड। दोस्तों, साउंड स्पीकर अपने जो हैं वो लगा चुके हैं गाड़ी के अंदर। आपको सुनाता हूँ NCS का एक सॉन्ग, सुनाता हूँ इसमें इसका साउंड, सुनाता हूँ कैसा आ रहा है। तो टाइप कर देते हैं NCS, तो NCS का एक सॉन्ग चला रहा हूँ। इसकी बेस और वॉइस क्वालिटी सुनना स्पीकर की कैसी है। तो अभी 32 पे वॉच कर रखी है हमने वॉइस। दोस्तों, देख सकते हो साउंड कितना अच्छा आ रहा है इन स्पीकरों के अंदर। बाकी जो इसकी जो प्राइजेस है वो मैं आपको बता चुका हूँ, A to Z जितने भी है, 1000 रुपये का स्पीकर पड़ा है टोटल। बेस्ट क्वालिटी का स्पीकर है, मंगा सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा। और इस वीडियो को हेडफोन पे लगाकर सुनोगे तो काफ़ी अच्छे साउंड आएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल DL27। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, और जिसने अभी तक पुराने ब्लॉग्स नहीं देखे जाकर वो देखो। वीडियो थी स्पीकर की अनबॉक्सिंग करी थी इससे पहले, तो ये भी खत्म है। तो इसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल DL27। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।